गिजौरा थाने में जब्त जेसीबी मशीन डबरा सिटी थाने पहुंच गई। बता दें कि अवैध रेत उत्खनन के चलते नायब तहसीलदार ने जेसीबी को जब्त किया था। गिजौरा पुलिस की सुपर्दगी में जेसीबी मशीन थी। वहीं जेसीबी मशीन मालिक को जब जेसीबी मशीन डबरा में दिखी तो मशीन मालिक ने एक आवेदन डबरा थाने में दिया, जिस पर पुलिस ने यह जेसीबी मशीन उठवा कर डबरा थाने पहुंचाई। गिजौरा थाने में जब्त जेसीबी डबरा कैसे पहुंची इसकी जानकारी जब वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो उन्होंने इसकी जांच के लिए एक उच्च अधिकारी को नियुक्त कर दिया। इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि इस संबंध में जब थाना प्रभारी गिजौरा आनंद कुमार से बात की गई, उन्होंने बताया, अगले महीने 20 तारीख को जब मैंने मोर्चा लिया उस समय यह जेसीबी मशीन थाने में नहीं थी, पर मैं यहाँ पता लगा रहा हूँ कि गिजौरा थाने में जब्त जेसीबी मशीन डबरा कैसे पहुंची। जेसीबी का मामला मेरे जब संज्ञान में आया, जब पेपर में निकली और हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ जाँच करने के लिए आए हुए थे, चूँकि मैं थाने में पिछले महीने लगभग 20-22 तारीख में ज्वाइन किया हूँ, तब मुझे यहाँ जेसीबी नहीं दिखी थी और इसकी जवाबदारी एसीएम की होती है, तो ना ही मुझे एसीएम द्वारा बताया गया। ये पता चला कि जेसीबी जो डबरा थाने में खड़ी कराई गई है, वो थाना गिजौरा में जब्त शुदा है। तो मैंने अपने यहाँ रिकॉर्ड चेक कराया, जिसकी जांच हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें निश्चित तौर से उसको सजा मिलेगी। के खिलाफ़ आपने क्या क्या कार्रवाई की? मुझे पता चला था कि सिली सिलेटा में अवैध रूप से पंडुबी डली हुई है, तो मैंने नायब तहसीलदार साहब ने और पिछोर पुलिस में तीनों संयुक्त मिलकर के दो पंडुबियाँ डूबी हुई थी उनको निकाला, और जिसमें अज्ञात आरोपियों के खिलाफ में चोरी की FIR की है। जो भी उसमें दोषी होगा, अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है, जैसे ही पकड़े जाते हैं या पता चलता है निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। वो किस समय यहाँ से गई है इसका कुछ जानकारी उपलब्ध हो गई है? नहीं, ये इसका कोई अभी पता नहीं चला है, ये जांच का विषय है। वरिष्ठ अधिकारीगण जांच इसमें कर रहे हैं और हम भी गुप्त सूत्रों से पता लगा रहे हैं कि ये यहाँ से कैसे गई है और ये थाना परिसर से कैसे यहाँ से हटी है। किसी भी 24 न्यूज़ के लिए डबरा से हेमंत पंडा की रिपोर्ट।